नमस्कार। आज बात करते हैं फास्टिंग की। फास्टिंग गुड और बैड, सो दोनों ही एस्पेक्ट हैं। फास्टिंग मोस्टली अगर नॉर्मल लोग फास्ट करते हैं तो फास्टिंग इज वेरी गुड। क्या बेनिफिट है फास्टिंग के? वेट लॉस में हेल्प करती है, आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपके ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, आपकी सेल रिपेयर करती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो फास्टिंग आपके इन्फ्लेमेशन को इम्प्रूव करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देती है, आपकी डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, लॉन्गेविटी में हेल्प करती है, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म जो हमारा गड़बड़ हो जाता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाती है फास्टिंग। सो अगर सही तरह से फास्टिंग किया जाए तो फास्टिंग इज वेरी गुड। आज एकादशी है, लोग एकादशी का फास्ट करते हैं। सो अगर हमारे सनातन धर्म में कोई ना कोई जो भी रिचुअल्स हैं, अंधविश्वास की बात नहीं कर रही, रिचुअल्स अगर हैं तो वो बहुत साइंटिफिक है। और आज हम लोगों को डिटॉक्सिफाई के लिए फास्टिंग की एडवाइस करते हैं, और फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सो अगर बहुत ज़्यादा जानना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। धन्यवाद।